घर का माहौल बिगड़ते ही जा रहा है नवीन के एविक्शन के बाद। एक तरफ है लोपा और बानी की टकरार, तो दूसरी तरफ है स्वामी ओम और मनु की टकरार। हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर मंडे होता है नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड, और हमेशा की तरह इस बार भी बिग बॉस ने बना दिया है नॉमिनेशन के कार्य को एकदम अनोखा। इस बार घर वालों को आपसी सहमति से चार ऐसे नाम देने होंगे जो उनके मुताबिक घर के सबसे बोरिंग सदस्य हैं। अब ऐसा टास्क हो और झगड़ा ना हो, ऐसा हो सकता है भला? वेल, काफी डिस्कशन के बाद नॉमिनेट होंगे राहुल, मोना, करण और लोकेश। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान स्वामी और मनु और मोना को लेकर कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे मनु काफी नाराज हो जाएगा और स्वामी ओम पर हाथ उठाते उठाते रह जाएंगे। इतना ही नहीं, मोना उन्हें बुढ़ा साला भी कहेगी। वेल, आज लगता है घर में झगड़े वाला दिन ही है। एक झगड़ा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा झगड़ा शुरू। दूसरा झगड़ा होगा लोपा और बानी का, जहां लोपा बानी को खाना लाने के लिए कहेगी, एस बानी लोपा की पर्सनल सेविका है फॉर अ डे, और वहीं बानी लोपा को इंग्लिश यूज करने के लिए दंड देगी। ऑल्सो जब मनु और लोपा चेंजिंग रूम में रोहन के बारे में चुगली कर रहे होंगे, तभी बानी चुपके से उनका कॉन्वर्सेशन सुन रही होगी और फिर सभी घर वालों को सुनाएगी। है ना ये एक्साइटिंग? तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि क्या बानी अपने कैप्टन होने का फर्ज अच्छे से निभा रही है।